दोस्तों, कुकिंग लाइव सुविता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल, बहुत ही बढ़िया स्वीट रेसिपी जो खाने में तो टेस्टी लगती ही लगती है, साथ में बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ घर के ही सामान से ही बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम गेहूँ का आटा लेंगे, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वही आटा लिया मैंने। यहाँ पर 1.5 कप लिया है ये। अभी यहाँ पर इसमें हम घी डाल देंगे। घी डालने से बहुत ही बढ़िया एक कुरकुरी बनेगी और खाने में अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे आप इसके जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। 1 चुटकी भर कर इसमें हम नमक डाल देंगे। अभी देखिए, यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर ये बेकिंग सोडा डाला है। इससे ये बहुत ही अच्छी फूली फूली बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आटे में सारे जो हमने घी डाला है उसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर नॉर्मल पानी लेकर हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पर नॉर्मल जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा टाइट लगाएंगे। तो पानी ले लेते हैं और आटे को हम लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये एकदम क्रिस्पी बनती हैं और हमने इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ गेहूँ के आटे से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आटा भी लगा लिया है। तो आटे पर थोड़ा सा हम यहाँ पर घी लगा लेंगे और इसे हम चिकना करके इसको साइड में रख देंगे। अभी इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और इसको चिकना कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है और आप इसे रक्षाबंधन पर जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी को और एकदम नई रेसिपी है, जाने बहुत ही अच्छी लगेगी सभी को। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर एक कटोरी लेते हैं। कटोरी में यहाँ पर घी डाल देंगे 4 से 5 चम्मच इसके अंदर। अभी यहाँ पर गेहूँ का आटा लेंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। अभी इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लेना है, यानी इसे क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए जब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। यहाँ पर अब इसमें घी कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये हमारे तैयार हो गई। इसे साइड रख देते हैं। अभी आटे को हम यहाँ पर इसकी रोटियाँ बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही इसकी रोटियाँ बनाएंगे। ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, नहीं ज़्यादा पतली, बीच का इसका साइज़ रखेंगे। तो यहाँ पर इसके हम आटा तोड़ लेते हैं और इसकी हम रोटी बना लेंगे। यहाँ पर हमने पहले सारी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर से घी या तेल लगा सकते हैं आसानी से, ताकि ये बेलन की सहायता से बेल लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है। अभी देखिए, इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हम रोटी बना लेते हैं। सारी रोटी बनाकर हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से रोटी को तैयार कर लेना है। जो इसके किनारे होते हैं उसको मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला रखेंगे। और देखिए, यहाँ पर ये हमने रोटी बना ली है। तो सारी रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अभी देखिए, यहाँ पर जो लास्ट रोटी है उसको हम ऐसे बेल लेंगे। अभी यहाँ पर जो हमने देखिए यहाँ पर घी और आटा मिक्स किया था उसे इसके ऊपर से ऐसे उंगली की सहायता से लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे आप चम्मच की सहायता से भी फैला सकते हैं, लगा सकते हैं सारे इसके कोनों पर, बीच से, सारे आगे पीछे, सभी जगह से अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। उसके बाद दूसरी रोटी उठाएंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर से ऐसे लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर भी हम ऐसे ही ये जो घी का हमने तैयार किया है गोल सा, ये इसके ऊपर से लगा लेंगे। इससे लगाने से ना जो इसके बीच की वो लेयर होती है ना, एकदम निखर कर बाहर आएंगी, जो खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी सारी रोटी मैंने लगा कर तैयार कर ली। देखिए, यहाँ पर ये 6 रोटी बनकर तैयार हुई थी। तो 6 को मैंने इस तरह से यहाँ पर घी लगा कर बीच में और ऐसे ऊपर रख दिया है। अभी देखिए, यहाँ पर अभी इसे थोड़ा सा बेलन की सहायता से बेल लेंगे इस तरह से। हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर से भी जो बचा हुआ वो है, जो घी वाला और आटा हमने तैयार किया था, वो इसके ऊपर से लगा लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फोल्ड करते जाना है। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा उठाएंगे, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है।
थोड़ा थोड़ा उठाकर सारी जो ये रोटियां हैं इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी लेयर बनकर तैयार होती है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आप ये एक साथ बहुत सारी बना सकते हैं, ये 3 से 4 दिन तक कम से कम चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर जो लास्ट का है ये रह गया है, इस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चाकू की सहायता से इसके पीस कट कर लेंगे हम, जैसे आधा आधा इंच के इसके पीस कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको पहले बंद कर लेते अच्छी तरह से। ये देखिए, अभी इसको ऐसे इस तरह से कट कर लेना, आधा आधा इंच का इसको गैप रखेंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये बनती है, एकदम लेयर इसकी इतनी अच्छी आती है कि बहुत ही अच्छी है। देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, वैसे खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है। तो देखिए, यहाँ पर अब सारे जो पीस हैं पहले हम कट करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। जो ये खुल जाती है कोई दिक्कत नहीं है, पानी लगा कर इसको आप बंद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर बनी है, और इसको थोड़ा सा इसे टैप कर देंगे और इसके आगे से थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप दे देंगे ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। और देखिए, लेयर दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है इसकी। तो सारे पीस को हम इसी तरह से इसका शेप दे देंगे और तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, मैं सारी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर सारी मैंने बना कर रेडी कर ली है और यहाँ पर हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर अभी इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने का तरीका ये है, इसको ज़्यादा जैसे आँच नहीं रखनी है हमको, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, मीडियम से लो के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। ये देखिए, अभी ये हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ना इसका, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर इसे और पका लेते हैं, अभी अच्छे से कर नहीं हुआ है। अभी देखिए, यहाँ पर अभी आपको देखने से लग रहा है कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो यहाँ पर अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे मैंने बनाकर तैयार कर ली है। और यहाँ पर देखिए, अभी हम चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक कटोरी हमने चीनी ले ली है और यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी लिया है। तो यहाँ पर देखिए, चाशनी इस तरह से तैयार करनी है, जैसे चिपचिपी सी चाशनी होती है ना, जैसे गुलाब जामुन की होती है, वैसे ही हमने चाशनी बना ली है इसकी। तो चलिए, जो ये गरम गरम में चाशनी में हमने ये सारे जो बनाए हैं ये इसमें डाल देंगे। कम से कम इसे आधे घंटे के लिए इसमें ही रहने दें, उसके बाद इन्हें आप निकाल कर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये, एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट रहता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे इसके अंदर डाल दी है। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ रही हूँ, एक आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो देखिए, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें यहाँ पर रस अच्छी तरह से अंदर तक चला गया है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए, बहुत ही अच्छी जूसी बन गई है, इनके अंदर बहुत ही अच्छे से सारा रस अंदर तक गया है। यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में भी सर्व कर लिया है, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं आप पिस्ता या बादाम की। बहुत ही अच्छी ये बनती है, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी सभी को। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।